नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनुपाकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा है तो देवानंद का, मगर इस किस्से को सुनाया है वहीदा रहमान और आशा पारेख ने। दरअसल टीवी में एक प्रोग्राम आता है डांस दीवाने, और इसी प्रोग्राम में आशा पारेख और वहीदा रहमान के साथ हेलेन भी पहुंची थी। इस दौरान दोनों ने शो की जज माधुरी दीक्षित के साथ डांस को लेकर काफी बातें की। साथ ही तीनों ने बीच बीच में परफॉर्म भी किया, और इसके अलावा आशा और वहीदा ने कई दिलचस्प किस्से भी सुनाए। आशा और वहीदा ने इस दौरान देवानंद को लेकर भी एक मजेदार बात बताई। उन्होंने कहा कि देवानंद जेंटलमैन की तरह फ्लर्ट करते थे। उन्होंने कहा कि उनके फ्लर्ट करने का तरीका इतना अच्छा होता था कि लड़की के मम्मी पापा भी उनसे इंप्रेस हो जाते थे। वहीं धर्मेंद्र को लेकर दोनों ने बताया कि धर्मेंद्र का हमेशा की तरह बिंदास अंदाज था, वो तो सभी के साथ मस्ती करते थे। और इस शो में तीनों दिग्गज एक्ट्रेसेस ने ट्रिब्यूट किया, और इस दौरान तीनों एक्ट्रेसेस को पूरी जर्नी उनकी दिखाई गई, तीनों के करियर को दिखाया गया और किस तरीके से लाइफ में स्ट्रगल झेला, किस तरीके से इंडस्ट्री में वो आई, उन्होंने काम किया। लेकिन इस दौरान देवानंद को लेकर जो किस्सा उन्होंने सुनाया वो लोगों की जुबान पर है। देवानंद, दरअसल जिस जमाने की ये बात है, 50-60 का वो दशक है, देवानंद के बारे में कहा जाता था कि जब वो काले कपड़ों में बाहर निकलते थे तो लड़कियां इमारतों से छलांग लगा देती थी। कहते हैं इस बात को लेकर एक कोर्ट में उन पर मुकदमा चला और उनके काले कपड़े पहनने पर रोक लगा दी गई थी। देवानंद का स्टाइल ऐसा था, उनके बात करने का तरीका था, उनका एक अंदाज था कि लड़कियां मर मिटती थी। और लड़कियां ही नहीं, उनके माँ बाप भी कभी कभी देवानंद की इसी अदा पर मर मिटते थे। आशा पारेख, वहीदा रहमान, हेलेन, दरअसल ये तीनों अभिनेत्रियां उसी दौर की अभिनेत्रियां हैं और देवानंद के साथ इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। उन्हीं में से एक किस्सा देवानंद को लेकर बताया कि देवानंद के फ्लर्ट करने का जो तरीका है वो दरअसल इतना अच्छा होता था, इतना प्यारा होता था, इतनी मासूमियत होती थी उसमें कि लड़कियां ही नहीं, लड़कियों के मम्मी पापा भी मर मिटते थे। ये किस्सा इस प्रोग्राम में बताया गया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।